साई राम साई राम साई राम। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चे जिन्हें गजेट में कुछ नहीं मिल रहा, पहले तुम शुरू करो भाई। क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या है बताओ। मैं उसमें बेटा तेरी आवाज थोड़ी सी कट रही है, ट्राई टू स्पीक मोर क्लियरली। मैम जो बजरंगा फोर्ट का जो फाइंड करना था मैम, वो उसमें मैम मिल ही नहीं रहा। उसमें मैम पहला पेज खोलते हैं तो मैम गुना जनरल खोलता है मैम, पर उसके बाद दूसरा खोलते हैं तो मैम गुना की हिस्ट्री वगैरह की चलता है। उसको तुम थोड़ा सा खोल के देखोगे ना, उसमें एक इंडेक्स भी है, हर किताब में एक इंडेक्स होता है। मैम इंडेक्स तो है मैम, लेकिन इंडेक्स में फर्स्ट मोती महल दे रखा है मैम बजरंगगढ़ का, तो मैम वो इंडेक्स के बाद मैम जब खोलते हैं ना मैम, फिर उसके बाद मैम गुना जनरल ही आता है मैम। तो बेटा वो इतनी मोटी किताब है, क्या तुम उसका थोड़ा सा और आगे का पेज खोल के नहीं देख सकते क्या? बिकॉज मैंने वो बुक खोल के पढ़ी है, मुझे पता है उसमें बजरंगगढ़ फोर्ट के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है। मैम अब तो मैं तुम्हें किस अपनी पार्ट में दे आगे रखा है मैम? क्या बेटा, मैम किस पार्ट में दे रखा है? शुरुआत में ही दे रखा है उसमें बजरंगगढ़ के इतने सारे जो छोटे छोटे किले और गढ़ियां है ना, उसी में आपको मिलेगा। मैंने तुम तो तुम्हें ये सोच के दिया कि तुम इतने समझदार हो कि तुम बुक खोल के समझ जाओगे। अब तक मुझे तुम्हें बुक में ढूंढना भी मुझे सिखाना पड़ेगा कि बेटा उसमें ऐसे कोई एक एक चैप्टर करके नहीं दिया हुआ है कि ये चैप्टर इसका ये चैप्टर इसका है। आपको अच्छे से वो बुक पढ़नी पड़ेगी, तभी तो वो टास्क है। यस मैम। उसमें अगर एक हेडिंग डाल के दिया होता बजरंगगढ़ फोर्ट, तो बिल्कुल मैं भी वैसे ही काम कर लेती, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत थी। तुम्हें वो यस मैम। बुक आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से खोल के पढ़नी पड़ेगी। और एक दिमाग ये लगाओ कि बुक में पीछे की तरफ जाओ, उसमें जो एनेक्सचर है ना, उसके अंदर अल्फाबेटिकली बहुत सारी चीजें दी हुई है, एक बार उसे कंसल्ट करो। यस मैम। बेटा बुक पढ़ना इतना आसान थोड़ी होता है कि बस मैम उसके अंदर एक चैप्टर वाइज दिया होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट, तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारे अननेसेसरी पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। मैम इसमें आरोन का फोर्ट का दिया है क्या? बेटा उसमें आरोन फोर्ट के बारे में दो या तीन लाइन दिए हैं, कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है। यस मैम। बजरंगगढ़ के बारे में काफी रिच हिस्ट्री है और बहुत कुछ है उसके अंदर, यस मैम। ठीक है। एक छोटी सी नोटबुक लो, उसके अंदर जो जो तुम्हें पेज में, तुम्हें हो सकता है एक पेज में केवल चार लाइन ही मिली उस फोर्ट से रिलेटेड, यस पीछे के मैम। एनेक्सचर को कंसल्ट करो। मैंने पीछे के एनेक्सचर को कंसल्ट करके देखा था उसको, पर मुझे भी काफी समय हो गया तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वरना मुझे तो याद रहता है बुक में कौन सी चीज कहाँ थी। ठीक है। यस मैम। हाँ जी, और कोई किसी का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई सवाल? लड़कियां क्योंकि आज मैं जाके प्रपोज करने वाली हूँ, लड़कियों तुम्हारा ट्रिप। रामा जानवी रेडी हो तुम लोग? कुछ काम करा मैम? आई वाज एब्सेंट। तो बेटा तू एब्सेंट थी, लेकिन मैंने तो तेरे को फिर भी जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, गलत किया क्या? नो मैम, मैम जानवी हैज टोल्ड मी मैम आई विल वर्क। तो मुझे कल तुम लोग जो है अपनी रिसर्च के साथ प्रेजेंट करोगे, तभी मैं तुम्हें परसों लेके जाऊंगी। अगर कुछ नहीं लाओगे तो ट्रिप कैंसिल कर देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास। तुम लोग कैंसिल हुए तो फिर किसी और का नंबर लगेगा। हाँ जी मोनिका बोलिए। यस अक्षिता बोलो। मैम तो आपने किसी किसी बच्चे मैम किसी किसी एक बच्चों को ही मिनट दिया है मैम काम, सारों को मिला? बेटा, अभी तक तो सबको नहीं दिया है मैंने, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपके लिए जरूर कोई अच्छा सा काम ढूंढ सकती हूँ। देखो मुझे जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराना, क्योंकि जबरदस्ती के काम बिना स्टैंडर्ड नहीं आता है। अगर तुम अपने मन से काम करोगे तो तुम बहुत अच्छा काम करोगे, और अच्छा काम करोगे तो उसका फायदा कहीं ना कहीं तो तुम्हें दिया ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, और कुछ किसी का सवाल? मैम तो मुझे भी नहीं। एक सेकेंड एक सेकेंड, एक एक करके बोलो। पहले मोनिका तुम बोलो, क्या बोल रही हो? बोलो बोलो मोनिका, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात।
मोनिका, ओ मोनिका बोलो, मैं सुन रही हूं, आप बोलिए तो सही। माइक अनम्यूट करो बेटा, तुम्हारा माइक म्यूट है। चलो लेट हर गेट बैक। यस रामा, व्हाट आर यू सेइंग? मैम व्हेन विल बी द ट्रिप? दिस विल बी व्हाट? मैम आई डोंट नो द डेट ऑफ द ट्रिप। 31st। एंड सिंस ओके ऑल मैम। ऑफ यू ऑलरेडी सेड दैट यू विल गेट कंसेंट लेटर, तो मैं मान के चल रही हूँ कि तुम लोग कंसेंट लेटर के साथ ही आओगे। जिसका कंसेंट लेटर नहीं होगा, आई एम नॉट गोना टेक यू एनीवेयर। तो मैं आज बात करूंगी, कल कंसेंट लेटर लेकर आओगे दोनों तीनों। ले आओगे तो ले जाऊंगी, नहीं तो ट्रिप कैंसिल करवा दूंगी। वर्बली कुछ नहीं चलेगा भाई, सब कुछ लिखित में चाहिए। अभी समय खराब चल रहा है। हाँ जी, सो एनीबडी हैज एनी अदर थिंग टू आस्क, एनीथिंग टू से? फोर्स आपका पहुंच गया है, राइट? यस मैम। हाँ, तो उसके ऊपर कुछ आपको स्लाइड, कुछ ओवरव्यू, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू फील लाइक डिस्कसिंग? मैम आराम के लिए का मैम इंटरनेट पे तो मैम कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा। बेटा ठीक है, तेरे को जितना मिल रहा है तू उतना कर, कुछ तो कर, कोशिश तो कर। मैम उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पता चला है आराम के किले का कि उसमें क्या है अंदर। मैम वो चलेगा। बेटा तुम रहना रफ वर्क प्रिपेयर करो, उसमें से क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो मैं डिसाइड करूंगी। तुम कम से कम 25 पेज बनाओगे, उसमें से 5 पेज अप्रूव होंगे। तुम ये सोच रहे हो कि तुम सीधे 5 पेज ही बनाओ और वो पांचों के पांच अप्रूव हो जाए, ऐसे नहीं होगा। यू विल हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ रफ डेटा, उसको फाइनलाइज करने के लिए हमारे पास एक एडिटिंग टीम रहेगी। एंड एवरीबडी इज वेलकम टू ज्वाइन द एडिटिंग टीम। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि अगर पूरी क्लास पार्टिसिपेट करे। ऑल्दो आई कैन नॉट टेक एवरीबडी एवरीवेयर, बट आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी इन्वॉल्व एज मच एज यू कैन बी। और अगर कोरोना का ये सारा हाय हाय खत्म हो जाता है तो पूरी कोशिश करेंगे कि तुम लोगों ने अगर बहुत अच्छा काम किया तो आई आस्क सर टू हैव अ क्लास ट्रिप। तुम भले इंदौर इंदौर नहीं जा पाओ, आई ट्राई माई बेस्ट कि तुम लोगों की क्लास ट्रिप जरूर करवाई जाए। अगर तुम लोग अच्छा काम करोगे तो मुझे भी कुछ सब्सटेंस मिलेगा बोलने के लिए कि देखो बच्चों ने इतना बढ़िया काम किया है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, और कोई किसी का सवाल? अब जरा पीरियोडिक पर आते हैं, थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट से हटते हैं, पीरियोडिक पर आते हैं। पीरियोडिक के क्या सीन है तुम लोगों के, मुझे बताओ। वो पहुंच गया, कोर्स पहुंच गया? आज बैठ के मैं पेपर बना दूंगी तुम लोगों का। हाँ तो जी बताएं मैम, क्या जो विचार सिलेबस है? में मैम जो मैप वर्क दिया है मैम, उसमें जितने भी मैप्स हमने किए मैम वो सारे आएंगे? रुक जा एक मिनट, मुझे देखने दे कि कौन सा चैप्टर दिया है तुम लोगों को। क्या होता है, हम लिखते हैं और भूल जाते हैं कि हमने क्या किया। मैम हिस्ट्री में नेचुरल है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बेटा जो मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दी थी ना, उसी लिस्ट के अंदर से आना चाहिए आइडियली। मैं तो उसी लिस्ट के अंदर से दूंगी। और पॉवर्टी एज अ चैलेंज इजी चैप्टर है, ढंग से कर लेना। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही घटिया चैप्टर है, इसमें डुबाना मत खुद को। रशियन रेवोल्यूशन पढ़ाने के हिसाब से मेरा हो गया है, मेरी तरफ से रशियन रेवोल्यूशन कंप्लीट है। तुम्हें कोई सवाल है तुम पूछो। मैम पर आप एकदम बता रही थी कि उसको क्या कैसे याद करें उसका। मैम कितनी सब में एक बार लगा हो रहा है। उस दिन हम लोगों की क्लास जो है वो अनएक्सपेक्टेडली इंटरप्ट हो गई थी। मैं बताती हूँ तुमको फिर से।
Sometimes I feel like I should borrow that writing pad from Hema ma'am someday, just to try it out, how it feels. I hope you must have gotten the link to the Jamboard, और नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर कर ही रही हूँ, देख लो उसमें भी. देखो हिस्ट्री में जब भी पढ़ना है उसका एक बहुत गोल्डन तरीका है, दैट इज कॉल्ड द टाइमलाइन कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये तुम्हारी टाइमलाइन चल रही है. अब मेरी टाइमलाइन में कैसे चला रही हूँ कि ये जो एरो है दिस इज कमिंग टूवर्ड्स द प्रेजेंट और ये क्या है, पास्ट है. अब हम लोगों ने चैप्टर कहाँ से शुरू किया था, हम लोगों का चैप्टर यहाँ पे शुरू हुआ था ये 18th सेंचुरी रशिया से, है ना, कि वहां के हालात कैसे थे, वहां पे सिचुएशन कैसी थी, वहां पे रूल कैसे हो रहा था, वहां के तरीके कैसे थे एंड हाउ बैकवर्ड इट वॉज. उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो वहां पे मेन इवेंट हुआ, दैट वॉज द असेंशन ऑफ ज़ार निकोलस, है ना. ज़ार निकोलस आया, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ही क्रिएटेड बिकॉज ऑफ हिम, मेनी प्रॉब्लम्स वर एग्रेवेटेड. प्रॉब्लम्स तो थी लेकिन उसने उसको सॉल्व करने के चक्कर में और बढ़ा दिया. ज़ार निकोलस आ गया, ज़ार निकोलस के बाद उसके बाद हुआ वर्ल्ड वॉर वन. वर्ल्ड वॉर वन में रशिया, ऑल्दो इट डिड नॉट एग्जैक्टली लूज, बट रशियन मोरल वॉज वेरी वेरी डाउन, क्योंकि ज़ार निकोलस को क्या लगा दैट इफ आई विल गो एंड आई विल पार्टिसिपेट इन द वॉर लोगों का मोरल बढ़ेगा, जबकि उल्टा हो गया, उसने वहां जाके और जो मिट्टी पलीद कर दिया. और उसके चक्कर में फिर ऐसा हो गया कि बोलो हमारा तो ज़ार भी जो है किसी काम का नहीं है, इसी की वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए. इन चीजों को आपको समझना है कि वर्ल्ड वॉर वन की वजह से रशियन सोसाइटी जो कि ऑलरेडी प्रॉब्लम में थी वो और प्रॉब्लम में चली गई. क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का ईगो अड़ गया. फिर वर्ल्ड वॉर हुआ तो सारे जो मैन फोर्स थी वो वापस उधर चली, वो उधर वॉर में लड़ने चली गई, औरतों को काम करना पड़ा. इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम, इकोनॉमी वॉज सफरिंग. यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इस मैटर तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया. फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लग गया, उसके बाद फैक्ट्रीज बनने लग गए. फैक्ट्री बनने लग गए तो जो एब्सोल्यूट रूल था उसके ऊपर लोगों के क्वेश्चंस आने लग गए. द वर्किंग कंडीशंस वर वेरी हार्श, इट वाज नॉट अ वर्कर फ्रेंडली एनवायरमेंट. उसी टाइम पर और लगभग इसी कुछ टाइम पे देर वॉज अ फिलोसोफर, हिज नेम वॉज कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी सोशलिज्म की. सोशलिज्म की थ्योरी क्या कहती है, जितना इजी हो सके मैं बताना चाहती हूँ, कि ना जो अभी फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो जो है उसके फैक्ट्री ओनर्स के अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा काम नहीं करना पड़ेगा. वन डे दे विल बिकम द ओनर ऑफ व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग एंड दे विल नॉट बी एक्सप्लॉयटेड एनी मोर. That was his vision, that was his theory. तो कार्ल मार्क्स की जो थियोरी थी प्लस जो आस पास पूरे यूरोप में चीजें चल रही थी उसकी वजह से नंबर ऑफ थियोरीज इमर्ज्ड. लोगों के कहते हैं ना ज्ञान चक्षु खुल गए, उनकी आंखें खुल गई, उन्हें बहुत सारी चीजें दिख रही थी. उन्हें लिबरलिज्म दिख रहा था, उन्हें डेमोक्रेसी दिख रही थी, उन्हें जो है कंजर्वेटिज्म दिख रहा था. वो हम लोगों ने दो तीन बार वीडियो देख लिया है, वो टाटा क्लास वाला जिसके अंदर वो बहुत सारी बातें करता है कि ना ये थ्योरी किस चीज को सपोर्ट करती है, ये थ्योरी किस चीज को सपोर्ट करती है. अगर तुम्हें इंग्लिश के मीनिंग पता है तुम अपने आप समझ जाओगे. लिबरल थोड़ी सी छूट वाले, कंजर्वेटिव जो अपने आप में रहने वाले हैं, दे डू नॉट सपोर्ट चेंज. रेडिकल, रेडिकल चेंजेस मतलब बिल्कुल दुनिया ऊपर से नीचे कर दे उस तरीके के चेंजेस. सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब कि जो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच रहा है. और कौन सा था, दे हैव डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक की सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन यहां तक हो गया. फिर इसी बीच ये तीन जो है मेन इवेंट हुए जिसकी वजह से रशिया में चेंजेस आए. अब बिफोर दिस हैपेंड 1905 में, बिफोर द वर्ल्ड वॉर, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस हियर, 1905 में एक रेवोल्यूशन हुआ विच वॉज टू सेट अप द गवर्नमेंट विच वॉज नॉट
अ पार्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या कि एक पार्लियामेंट जैसी चीज बनाने की कोशिश करी उन लोगों ने, उसका नाम था डूमा। जैसे जर्मनी में राइक्सटैग था वैसे इन लोगों ने यहाँ पर डूमा बनाने की कोशिश की। जार अग्रीड, लेकिन उसने अपनी पावर जो है डिसेंट्रलाइज नहीं करी। उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन अल्टीमेट राइट उसने अपने पास रखे। ही डिसॉल्व द ड्यूमा 2-3 times, मतलब बेसिकली उसे पपेट गवर्नमेंट बना दिया उसने, और उसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन था। वर्ल्ड वॉर भी हो गया, कंट्री की हालत खराब हो रही है, नथिंग वॉज गोइंग वेल। उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन कौन से ईयर में हुआ था बताओ? एनीवन? फरवरी रेवोल्यूशन कब हुआ था, ईयर बताओ मुझे। अरे रेडियो शो थोड़ी चल रहा है, जो बस सुने जा रहे हो, कुछ बोलना पड़ेगा ना। 1917 कब था, इसको जरा वर्ल्ड वॉर से रिलेट करो। वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कोई मुझे बताएगा तुम्हें? मैं कुछ नहीं अरे 1945 में तक तो दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पूछ रही हूँ। 1918 लगभग 1918 और 1919 डिपेंडिंग ऑन द कंट्री दैट यू वर इन। ठीक है, इतना कंफ्यूज क्या होते हो? मतलब कि जब रशियन फ्रंट पे, दिस वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर, जितने चेंजेस आए ना, दीज वर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट वॉर। तो अब क्या है कि एक चीज हमने और पढ़ी थी कि रशिया का ना कैलेंडर अलग चलता था ग्रेगोरियन कैलेंडर से। अभी हम लोग ना ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हमारा हिंदू कैलेंडर अलग है, ऐसे मुस्लिम कैलेंडर अलग है, उसमें महीने अलग होते हैं, महीनों का ड्यूरेशन अलग होता है। और ऐसे रशिया का जो कैलेंडर था इट वॉज डिफरेंट। तो एक्चुअली जो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ है वो फरवरी में नहीं होकर किसी और मंथ में ही हुआ था। अक्टूबर रेवोल्यूशन भी ऐसे ही हुआ, मतलब विद इन लाइक 6-7 months वहां पर दो रेवोल्यूशन हो गए। रेवोल्यूशन किस वजह से हुए? बिकॉज दे वॉन्टेड द कंडीशंस टू चेंज। दे कैप्चर्ड द जार, ही वॉज केप्ट एट वन प्लेस। अब क्या हुआ, कुछ लोग जार के सपोर्टर थे, कुछ लोग जो है सोशलिज्म के सपोर्टर थे, कुछ लोग जो है और अलग चीजों के सपोर्टर थे। उन सबको कलर दे दिया रेड, व्हाइट और ग्रीन। तो वो जो कैप्स थे उनके बीच में सिविल वॉर होने लग गया कि भाई किसे एक्चुअली पावर मिलेगी। जार को तुमने हटा दिया लेकिन लोग अभी भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। इट वॉज अ पावर स्ट्रगल बिटवीन अ लॉट ऑफ पीपल। इन सब चीजों की वजह से रशिया बहुत अनस्टेबल हो गया। और फिर उसके बाद लेनिन कैप्चर्ड पावर, ही वॉज अ बोल्शेविक। बोल्शेविक इन एक पार्टी हुआ करती थी। He captured power, he eliminated his rivals, और basically वही बात हो गई कि उन लोगों ने कोशिश करी कि ऑटोक्रेसी हट जाए, एक छत्र राज हट जाए, और अल्टीमेटली घूम फिर के सारी बातें फिर से एक छत्र राज पर ही आ गई। बट कंट्री का सिस्टम बदल गया, कंट्री अब इस चीज पर चलने लग गई कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो तुम कुछ गलत कर रहे हो। You should not have too much money. If you have too much money, you are being greedy. You are not a nice person. You are not supposed to live in Mother Russia. That became their ideology. They started working towards it. लेकिन अब क्या हुआ, उनके पास food shortages होने लग गए। तो जब food shortages होने लग गए तो by the time Stalin was in power, उसने क्या किया, उसने communalize कर दिया farming को। कि अगर ये तुम्हारा खेत है, ये तुम्हारा खेत है, तुम्हारा खेत है, ऐसा नहीं। पूरे गांव के खेत जो है वो स्टेट के अंदर आएंगे, तुम सब यहाँ पे किराएदार की तरह काम करोगे, और जितना काम करोगे उस हिसाब से तुमको पैसे दिए जाएंगे। मतलब जो प्रॉपर्टी ओनरशिप थी ना वो उसने छीन ली। बैंकिंग सेक्टर अपने अंडर कर लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने अंडर कर लिया, बेसिकली हर चीज को कंट्रोल कर लिया एक ऐसी गवर्नमेंट ने जो कि ये क्लेम करके पावर में आई थी दैट वी आर हियर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। समझ रहे हो?
तो यार टाइमलाइन बनाओ, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, उसके बाद इसके नीचे तुम डाल दो ये अक्टूबर रेवोल्यूशन, उसके बाद तुम नीचे समझ सकते हो सिविल वॉर, फिर लेनिन, लेनिन ने क्या किया, उसके बाद स्टालिन, स्टालिन ने क्या किया। भाई देखो ऐसा ही ना एक कहानी है, और ये कहानी इतने सालों तक सिमिलर चली है ना कि इसको ज्यादा याद करने में परेशानी नहीं होगी तुम्हें। बहुत सारे एलिमेंट्स इसके सेम हैं, जो कि जर्मनी और फ्रांस में ऑलरेडी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से हुआ, बहुत ब्रूटल तरीके से हुआ यहाँ पे। यहाँ पर लोगों के पास उतनी चॉइस नहीं रही। एनी अदर क्वेश्चन? मैम सिविल वॉर किस सिविल वॉर इसलिए हुआ कि देखो तुम्हारे पास एक करंट लीडर था, वो तुम्हारे कंट्रोल में चल रहा था, और किसी ने आके उसे हटा दिया, तो तुम कोशिश करोगे ना कि उसी को वापस ले आए। जो कंजर्वेटिव्स थे उनका मानना ये था कि भाई रशिया बहुत बढ़िया चल रहा है, इतनी सेंचुरी से तुम ना जबरदस्ती दूसरे लोगों की बातों में आ रहे हो, दूसरे लोगों की बातों में आके ना अपना देश बिगाड़ लोगे, दूसरे लोगों को कॉपी करने की कोशिश करो, तुम गलत कर रहे हो। दे वॉन्टेड पावर टू बी विद देमसेल्व्स, दैट वॉज द होल आइडिया बिहाइंड इट। कुछ ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था कि नहीं, जब तक पावर चेंज नहीं होगी तब तक मेरे पास पावर नहीं आएगी, और जब तक मेरे पास पावर नहीं आएगी तब तक मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। देखो पावर और पॉलिटिक्स है ना, लाइक एम आई ऑडिबल? यस यस मैम मैम आई एम ट्राइंग टू स्पीक अ यस लिटिल मैम सॉफ्टली बिकॉज माय थ्रोट हर्ट्स। सी पावर और पॉलिटिक्स इट ऑलवेज वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट। पावर केवल इसलिए नहीं ली जाती है क्योंकि मुझे अपना चलाना है, पावर इसलिए भी ली जाती है क्योंकि मेरे ऊपर कोई और अपनी नहीं चला पाए। लॉजिक समझ रहे हो? पावर इसलिए भी कैप्चर की जाती है क्योंकि अगर आपने पावर नहीं ली, किसी गलत इंसान ने पावर ले ली, तो वो सबसे पहले आपका नुकसान करेगा। पावर इस डर में भी ली जाती है कि अगर मेरे पास पावर नहीं है तो फिर मुझे कोई भी कभी भी मार डालेगा, कत्ल कर लेगा, मेरी प्रॉपर्टी छीन लेगा, मेरी फैमिली को हार्म कर लेगा। ऑल दीज थिंग्स मैटर व्हेन द गेम बिकम्स ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स। इसीलिए तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पर इन चीजों के जो चांसेस है दे गेट रिड्यूस्ड। अगर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी भी दिन कोई असैसिनेट करके चला जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, लोग सिविलाइज तरीके से रहते हैं। पर ये सिचुएशन जैसे तुमने देखा नाजी जर्मनी में, एज सून एज हिटलर लॉस पावर ही किल्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही न्यू, बिकॉज द वे ही हैज गवर्न्ड इट विल नॉट बी गुड फॉर हिम। ओके और कोई सवाल? और आर बी डन फॉर द डे विद द चैप्टर? बार बार एक चीज बोल रही हूँ, गो एंड कंसल्ट दैट दीक्षा ऐप, इट इज गुड, इट हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल बी यूजफुल फॉर यू। जो इधर उधर की चीजें कंसल्ट कर रहे हो वो भी कर लो, बट बिफोर दैट डू दिस। और क्वेश्चन आंसर मैंने तुम्हें लिखने की टेक्निक बार बार बताई, अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट है तो कल कुछ क्वेश्चन लेकर आओ, उसका आंसर लेकर आओ, आई विल टेल यू हाउ टू ऑर्गेनाइज इट। ठीक है? चारों सब्जेक्ट का आई एम गिविंग यू टाइम टू रिवाइज। मैं आगे अभी कुछ नहीं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को, जितना तुम्हारे पीरियोडिक का है तुम लोग पूछोगे, क्योंकि मेरा सीधा सा रूल है बिकॉज इफ आई स्टार्ट टॉकिंग मेरे मुंह से ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने लग जाते, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती। तुम पूछो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है पूछो, मुझे आंसर आता होगा तो मैं बता दूंगी, नहीं आता होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ ढूंढूंगी। ओके यस सो मैं इकोनॉमिक्स में मैम पेपर आने सोच रही हूँ। एक साथ नहीं,
बोलो क्या हुआ? वाटर वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वाटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, देखो द नेम इम्प्लाइज इटसेल्फ, द डिस्टर्बेंसेस दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन। अब तुम पूछोगे कि उस डिस्टरबेंस से क्या होता है, उस डिस्टरबेंस से ये होता है कि रेनफॉल पे इफेक्ट पड़ता है, इट बेसिकली ब्लोज अवे द रेन, जो रेन उस एरिया में आ रही है उसे वो थोड़ा सा ब्लॉक कर देती है। और कुछ दिया हुआ है तुम्हारे लेवल पे, तुम्हारी बुक में कुछ दिया हुआ है तो मुझे बता दो। मैम मैंने उससे देखा था ना मैम, टाटा एज से। मैम किससे? टाटा एज में था ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हाँ, तो मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, मैं तेरे से ये पूछ रही हूँ, तेरे बुक में और कुछ उसके बारे में दिया हुआ है तो मुझसे पूछ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ? अच्छा एक बार देख लेना, अगर बुक में और कुछ ज्यादा दिया होगा तो मैं बता दूंगी। बेटा वो 11th क्लास की तो पूरी ना फिजिकल ज्योग्राफी है, वो पूरा ना तुमको ये बताता है कि ना तुम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करो, इतना प्रेशर इतने सरफेस एरिया पे लगेगा तो ये होगा वो होगा, इट्स वेरी अनोइंग। मैंने तुमसे कहा था उसे एज एन एंटरटेनमेंट ही देखो, क्योंकि उसके लिए मेरे को भी बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी तुम्हारे जितनी ही सोशल साइंस पढ़ी है, 10th क्लास तक पढ़ी है, उसके बाद मैंने भी नहीं पढ़ी सोशल साइंस। यस, नकुल पूछो क्या हुआ। मैम पीपल एंड रिसोर्सेस का मैम रिवीजन बचा है। पीपल एंड रिसोर्सेस का रिवीजन बचा है, लेकिन अभी तो हम लोग वो पॉवर्टी एज अ चैलेंज आने वाला है, तो पॉवर्टी एज अ चैलेंज को पहले टैकल कर लेते हैं। बस मैम मैंने कहा पॉवर्टी देखो एज अ चैलेंज। सुनो, मेरी बात को समझो, मेरी तुम विडंबना समझो, मेरी प्रॉब्लम समझो। मेरे साथ क्या होता है कि मेरे दिमाग में ना कुछ 3-4 क्वेश्चन घूमते रहते हैं, वो एक का मैं उसी का मैं पेपर बना देती हूँ। अगर मैं तुम्हें ऐसे टेस्ट देने लग जाऊंगी ना तो मेरे मुंह से वो क्वेश्चन निकल जाएंगे और फिर मैं फंस जाऊंगी, तो मैं वो चीज चाहती नहीं हूँ। तो तुम क्वेश्चन पूछो कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, मैं तुम्हें आंसर बता दूंगी। और ये एग्जाम के पहले करना है, एग्जाम के टाइम पर नहीं करना है। तो तुम लोग पढ़ के आओ, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर हम उसे एक बार कोशिश कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन आई कैन नॉट गिव क्वेश्चन ऑन माई ओन। मैं जोन में चली जाती हूँ जब मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना होता है तब। तो मैं नहीं कराऊंगी, तुम पूछोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। सारी चीजें पढ़ के आओ, बुक्स लेकर आओ, थोड़ा सा कर लो, क्योंकि कर लोगे तो क्या फाइनल में कम करना पड़ेगा, बस ये एक फायदा है। तुम्हारे कहने पे क्लाइमेट हटवा दिया मैंने, और क्या चाहते हो तुम लोग? और कोई किसी का मैम क्लाइमेट आ सवाल? जाता, रशियन रेवोल्यूशन नहीं होता तो वजह आ जाती। बेटा ऐसा है ना कि जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, नहीं तो जो मिल रहा है वो भी ले लिया जाएगा। दुनिया बड़ी क्रूअल है, ऐसे ही होता है यहाँ पे, हर चीज हमारे मन से नहीं होती है। मेरी तो इच्छा थी क्लाइमेट भी दे दूँ, लेकिन फिर मुझे ना तुम लोगों पे आ गई दया कि नहीं बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी मुश्किलों से तो स्कूल आए हैं, इनका मोरल नहीं तोड़ते। और खबर आई गई होगी तुम लोगों के पास, तुम्हें भी 5 दिन यही पधारना है। इट विल बी मोर मोर रेगुलर, लेट्स होप सो। और एकाध दो और आ जाओ ताकि मैं तुम लोगों का क्लासरूम चेंज करवा सकूं। मुझे तुम्हारा क्लासरूम नहीं अच्छा लगा, इट्स वेरी स्मॉल, इट्स वेरी क्रैम्प्ड। पर जब तक वो पूरा क्लासरूम भरेगा नहीं ना, तब तक मैं कहीं और तुम्हें ले जाने की कोशिश नहीं कर सकती। इससे बढ़िया तो अपने क्लास में बैठे थे। बेटा एक्चुअली जो आप क्लास में बैठे हुए थे ना, उसमें भी वही प्रॉब्लम थी कि नंबर ऑफ बेंचेस वो अकोमोडेट नहीं कर सकती क्लास मोर देन 16-17। कल तुम लोग 20 आए थे, तुम 20 को उस क्लास में नहीं बिठा सकते। अगर तुम 22-23 आ जाओगे, अगर तुम 24 भी आ जाओगे, सो आई हैव टू शिफ्ट योर क्लासरूम। फिर हम ना पूरे स्कूल की आपाधापी मचा देंगे बिल्कुल, हमारे क्योंकि ना कहीं कोई रूम नहीं बचाया हमारे लिए, फिर हम लोग हल्ला हल्ला मचाएंगे कि हमारे को नया रूम चाहिए, वी आर स्पेशल पीपल। देन स्कूल विल हैव टू फाइंड आउट सम प्लेस फॉर अस।
मैम फिर से स्टोर रूम में मिलेगा। नो, ऐसे थोड़ी होता है, तुम गलत समझ रहे हो। अगर तुम्हारा नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा तुम्हें बड़ा क्लासरूम मिलेगा, छोटा क्लासरूम थोड़ी मिलेगा। फिर जिसके पास बड़ा क्लासरूम आ गया है ना, उसको तुम्हारी जगह शिफ्ट किया जाएगा। हम ग्राउंड में बिठा देंगे। ग्राउंड पे ऐसा है ना कि 10 मिनट 15 मिनट बहुत अच्छा लगेगा कि धूप लग रही है, फिर उसके बाद ना धूप से इरिटेट हो जाओगे। ये प्रॉब्लम होती है ग्राउंड पे बैठने की। कुछ लगती है क्लासेस ग्राउंड पे भी लगती है सुबह सुबह वाली? सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। मेरा तो आज का हो गया। तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो कल आओ अपने सवाल लेकर आओ। जितने भी हमारे पीरियोडिक के क्वेश्चंस है उसके ऊपर काम करेंगे। जिन दो लोगों को बोला है रिसर्च के लिए वो रिसर्च करके आ जाए। और जो 2 तारीख वाला ग्रुप है, कौन कौन था उसमें? एक तो, मैम सुमित, मैं और हितेंद्र। अच्छा, तुम, सुमित और हितेंद्र। तो अभी बेटा सुमित तुम लोग मैम, कर लोगे तैयारी 5 तारीख के पेपर की? 2 तारीख को चल सकते हो तो मैं 2 तारीख प्रपोज करूँ? वो सुमित तो मैम कुछ बता ही नहीं रहा मैम। वो ना हमें कुछ मैसेज करता मैम, मैं मुझसे कहते हैं ठीक फोन है, लगा सुमित नहीं, सुमित मैम। पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो हम उसे नहीं ले जाएंगे। सिंपल एज दैट। तुम दो लोग चले चलना, ठीक है? तो तुम लोग भी जो घर पे बात कर लो, एक कंसेंट लेटर ले आओ अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर के साथ। कल तुम लोगों को भी काम पे लगाते हैं, है ना? अभी मैम तुम्हारी चॉइस है। तुम बाद में ये मत बोलना कि मैम जबरदस्ती हमको लेके चली गई। हाँ जी बोलिए। मैम हमें इंटरनेट और गैजार्ड से ढूंढना मैम, कि पीपल से भी पूछ पूछ के करना। बेटा कल हमने क्या बात करी थी? कल तुम थे ना क्लास में। हमने मैम बोला था कि आप अपने पर्सनल सोर्सेस से भी कर सकते हो, बस उनका नाम लो, उनका इंटरव्यू लो, वीडियो बनाओ। मैम रिकॉर्डिंग चलेगी? वीडियो बना लो ना। मैम वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे मैम वो लोग। कौन है भाई जो वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं होगा? एवरीबडी इज रेडी टू गेट अ वीडियो मैम ऑफ अगर देम। फोन करेंगे किसी को तो मैम वो कैसे वीडियो बनाएगा मैम, उसकी कैसे वीडियो बनाएंगे हम, रिकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। देख लो, कर लो, जो तुम कर सकते हो देख लो, ठीक है? मैम मुझे जानवी और ब्राह्मण बजरंगगढ़ के फौज के बारे में ढूंढना है ना। बेटा मैं भूल गई मैंने कल किसको क्या मैम बताया वो है। तो हम है ना मैम मैम, मैं और किया मैम था। नहीं, आरोन का अक्षिता और हमें। अक्षिता तुम इस वाली टीम में थी ना, ये रामा और जानवी वाली में। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम अच्छी रिसर्च करके लाओगी तो मैं तुम्हें कंसिडर करूंगी। तो मैम आपने बोला था मैम 31 को मैम बजरंगगढ़ का है, तो मैम उसके बारे में बजरंगगढ़ बताओ। का कहाँ बोला मैंने 31 का? अरे यार तुम बीनागंज, बोलते हो, बीनागंज बीनागंज कहाँ था? की बात हुई थी कल। ओके तो मैम बीनागंज के बारे में। देख कर आओ, तुम तीनों में से जो ढंगी रिसर्च लेकर आएगा वो दो को मैं ले जाऊंगी। बात खत्म, ठीक है? मैम वो करेंगे रिवीजन क्या? अरे तो मैम, अभी तो हिस्ट्री 50 मिनट यही सब बात थोड़ी करेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा उसके साथ में। 50 मिनट्स आर मोर देन एनफ। चलो हो गया आज का। सो साई राम एंड विल सी यू टुमारो बैक इन द कैंपस। थैंक यू। थैंक यू मैम, साइरम सारा मैम। मैम।